नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट आई और आज हमारे साथ जुड़ी हैं वंशिका जी। आइए जानते हैं क्या राय है इनकी डेरा सच्चा सौदा और सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में। कब से आ रहे हैं आप डेरा में? बचपन से, 5 साल की थी मैं। कितना विश्वास है आपका संत जी के ऊपर? विश्वास तो पूरा है उन पे। क्या क्या वेलफेयर वर्क, मानवता भलाई के कार्य होते हैं डेरे में? घर बना के देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। जो मीडिया में इतना कुछ ये दिखाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? झूठ है सभी, हमें तो पूरा विश्वास है। वो तो जो कह रहे हैं ऐसे ही मतलब कह रहे हैं, झूठ है उनका तो कहना, गलत कह रहे हैं वो। डेरे में आकर संत जी के साथ जुड़ने से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए? कॉन्फिडेंस बढ़ा, विल पावर बढ़ी, ज़िंदगी संवर गई हमारी, मतलब पूरा विश्वास है इन पे, जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप गुरुजी के बारे में, डेरे के बारे में? लोगों का तो कई तो कहती हैं अभी ये ऐसे हैं, ऐसे बाबा ऐसे हैं, बट हमारा तो विश्वास ही है उन पर। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उन पर पूरा विश्वास बना के रखें। आज जैसे आप देख सकते हैं कि 4 साल हो गए हैं संत जी हमारे बीच, समाज के बीच नहीं हैं, तो उनके ना होने से समाज में क्या क्या असर हुआ है? लोग पहले तो विश्वास करते थे सभी भी ऐसे हैं पिताजी, ऐसे ऐसा हमारे लिए करते हैं, अब नहीं करते। मीडिया उनको कह देती है अभी ऐसे है बाबा ऐसे है, तो उनका विश्वास भी दूर हट गया, वो भी नहीं विश्वास रखते उनमें। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? जल्दी जल्दी बस उनको रिहा कर दे और हमारे बीच में छोड़। तो देख सकते हैं आप लोगों का लगातार कहना है कि संत जी की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और संत जी को रिहा करा जाए, समाज में लाया जाए। आपके क्या विचार हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें द फैक्ट टाइम। नमस्कार।